हरियाणा के गांव गांव में बने हुए हैं, जिसे जाना जाता है माता चाणाली के नाम से, जिसके हरियाणा पंजाब और राजस्थान के गांव गांव में छोटे छोटे स्थान कुएं के बारे में बताया जी। कुआ जी यू मंदिर के टाइम का, पहले तो दोनों ने जो होया करते उसके साथ सह रहा करते, आंखों की बीमारी के कह रहे हैं जी, इलाज होता है माता जी के मानने से ही आंखें ठीक हो जाती है, तो बड़े बड़े डॉक्टरों के भी समझ में नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेदांत क्रांति पर। हम पहुंचे हैं एक ऐसे स्थान पर जिसके स्थान हरियाणा के गांव गांव में बने हुए हैं, जिसे जाना जाता है माता चाणाली के नाम से, जिनका वास्तविक नाम है माता फुल्लन देवी, और यह मंदिर मुख्य धाम स्थित है गांव चाणा जिला जींद में, जिसका नाम है छोटा चाणा या उचाणा। आइए आपको करवाते हैं दर्शन माता के धाम के, जिसकी जुड़ी हुई है बहुत सी बातें, इतिहास और रहस्यमयी चीजों। नमस्कार जी। जी है मुख्य पुजारी मंदिर माता के, इनसे पूछेंगे यहाँ का इतिहास, स्थापना और यहाँ की क्या मान्यता है। यू कई सालों तक है जी मंदिर, ये छोटी ही मूर्ति ले आए थे अपने गांव के बुजुर्ग आदमी। अच्छा जी। फिर उनने यहाँ रख दिया, शुरू में तो ये खेत हैं साइड में, खेतों में स्कीम बनी। अच्छा जी। फिर इसकी माता रानी की जो जमीन है सारी इसी की है, मेरे ख्याल में 4 किले पड़ेंगे, झोड़ा गया पिछली साइड में, ये सारा इसी का है जी। थोड़ा ऊंची सी वाली, सारा इसी का है जी। वो लगभग कितने वर्ष पहले माता जी की स्थापना हुई थी जी? होगी जी 200-250 साल पुरानी। तो माता जी का मंदिर का जिसका नाम क्या है जी? माता जी माता फुल्लन देवी का नाम था जी। माता फुल्लन देवी का नाम था। यही वही माता है जिसके हरियाणा पंजाब और राजस्थान के गाँव गाँव में छोटे छोटे स्थान बनाए हुए हैं। हाँ जी वही है, दूर दूर से आए हैं जी। जो शादी होगा गठजोड़े की जात यही होगा जी, जो बच्चों के बाल भी यहीं उतरते हैं, और आँखों की मशहूर है जी। आँख में कोई दिक्कत हो जी तो माता रानी का नाम लेकर ने इसका वो गहना रख दो तो पूरा फर्क हो जी, आँखों की मशहूर है माता रानी। अच्छा जी। जैसे जी दूर दूर गहना गहना कहे जाम जी, मतलब कि कई बार अपना गांव में बस का गहना दर्द उसका माता लिगड़ गई इसका वह हो गया, तो मतलब कि उसमें गहना में क्या क्या सामान रखा जावे जी? 65 का लग गया जी माता रानी का, नारियल चुंदड़ी और एक सिंगार का पैकेट हो जी। और लगभग कितने दिन में ठीक हो जाए जी आँखों का रोग फिर उससे? जल्दी जी, जल्द से जल्द। हाँ जी। और फिर उसके बाद वो यहीं चढ़ा के जाना पड़े जी उनको, जिसको ठीक हो गया यहीं, एक जो आँख हवे चांदी की वो भी चढ़े जी। अच्छा जी। वो आँख चढ़ा जी और वो गहना चढ़ा जी माता रानी, 2 पूड़े और 7 पूड़ी उसके साथ 2 लगे जी माता रानी वो मानते। तो भाई जुड़े रहे आपके चैनल वेदांत क्रांति से, लेकर आए हैं माता जी के दरबार में और आपको साक्षात दर्शन करवाएंगे माता के मुख्य गर्भगृह के। ये देखिए दोस्तों, आप इस समय देख रहे हैं माता फुल्लन देवी का मुख्य गर्भगृह है, जिसमें माता जी की मूर्ति लगी हुई है और माता जी के संगीत चल रहा है। अब बताओ जी पंडित जी, ये सिंगार वाली ये गाना है माता जो यहाँ चढ़ता है, और बुधवार को ठंडी जोत लगेगी। अच्छा। हाँ जी, ठंडी जोत से पूजा होती है। अच्छा, किस दिन मेला किस दिन लगता है जी यहाँ पे? बुधवार को लगा जी, बुधवार का चंदन बुधवार में मेला लगा जी। हर बुधवार को? हर बुधवार। हाँ जी, हर को। और साल में 6 मेले लग गए जी, ई चैत आओगा जी मान लो, और साठ में और आसुज में, इन 3 महीनों में 2 बुधवार चंदन के आते हैं, उसमें 6 मेले लगे जी साल में, जहाँ पूरी भीड़ होगा जी। यही माता जी का मुख्य मंदिर है यहाँ इसी गांव में, यही स्थान है जी। जैसे जी यहाँ पर कमेटी बनाई गई है या मंदिर में कोई महंत वगैरह बिठाए गए हैं या फिर पुजारी जी ही? सर्वता जी
बाबा मंगलानंद जी रहा करते जी, तो फिर भीड़ ज्यादा आने लगी, मतलब मान्यता ज्यादा बढ़ती गई, वो समान जो अकेले हो जाने ब्रह्मचारी जी काबू में नहीं आया करता, तो फिर वही न्यू बोले भाई इस पे बोली पे दे दिया करो माता रानी ने, पुजारी रह जाओगा वो अपना काम भी करें जाओगा संभाल भी हो जाओगा। बहुत भारी मेला लगता है जी, जब बनवारी पे आते हैं लोग तो यहाँ भी दर्शन के लिए जरूर आते हैं, तो फिर यहाँ जो इस साइड से आवे हैं वो पहले यहाँ आते हैं फिर बनवारी जाते हैं, जो परली साइड से आते हैं वो बनवारी की माता के दर्शन करने के बाद फिर सीधे यहाँ आते हैं। और जैसे जी यहाँ पर बच्चों का मुंडन भी किया जाता है, बच्चों के बाल उतरवाए जाते हैं, वो क्या मान्यता है जी, उसका ऐसा क्या कारण है? उसके बच्चे के जी जो सच्चे बाल होनी जी, जो पहली बार कटवाए जावे तरवाए जावे हैं, वो पहली बार जी यहीं चढ़ते हैं जी, इसके इसके चरणों में रखे जाते हैं जी, ये शुरू से ही है जी, जब से इसका निर्माण हुआ है जी मंदिर का उसी टाइम से है जी, सच्चे बाल बच्चों के यहीं रखे जाते हैं माता रानी के। आते हैं बुधवार का मुख्य मान्यता है, तो कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं। राम राम माता जी। हाँ राम राम बेटा, ठीक हो जी? माता जी कैसे, यहाँ दोग का क्या पूजन है, क्या विधि है और क्या मान्यता लेके आए आप, और पहले भी आपकी मुरादें पूरी हुई हैं या नहीं हुई? वो ये जी आज जम्मा सारी से चीज का ठाट है जी। अच्छा जी, ये अपने लड़के के वास्ते मैं जोड़ा मांग रही हूँ जी, मैंने जोड़ा चाहिए जी, ठीक है? अच्छा सात गांठ मार दीजिए, एक लानी चाहिए थी सकती ने, जय माई जय माई। आपको पूरा विश्वास है कि जी माता जी पूरी मुरादें पूरी करें जी? मैंने तो पूरा विश्वास, जम पूरा विश्वास। दादा बहन दिया जी माता जी, मतलब कि आपने, और उसका मतलब कि खोलना कि भाई माता जी को हमारी पूरी अरदास, हाँ पूरी अरदास कराओ जी, मेरे से सारा सौदा और परिवार मेरा सही रहना चाहिए जी। अच्छा परिवार में मेरा जी, हमें ये बताइए कि आंखों की बीमारी के कह रहे हैं जी इलाज होता है यहाँ, माता जी के मानने से ही आँखें ठीक हो जाती है, जो बड़े बड़े डॉक्टरों के भी समझ में नहीं आती, तो उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये आँखों की है जी, मैं आपने पहले बताऊँ था नहीं जी, आँखों की मशहूर है, आँख में कोई दिक्कत हो माता रानी का नाम लेके चसवा रुपया रख दो, माता रानी जी मेरी आँख में आराम करियो, उसी से रखते ही मतलब न्यू महसूस हो जाएगा भाई, हाँ आराम हो जाए, आराम होना शुरू हो जाए। हाँ जी, तो बहुत ही चमत्कारी है, और चमत्कार बताओ जी माता जी के, जो यहाँ घटे हैं घटना घटी हैं जो लोगों ने देखे हैं माता जी के चमत्कार? 5-6 महीने पहले की बात है, रोहतक साइड से आई थी एक लेडी, उसकी लड़की अमेरिका में पढ़ाई करे, उसकी आंखों में दर्द हो गया जी, उसने दिखाया कोई आराम नहीं हुआ, उसने घर फोन कराया अपनी मम्मी के पास जी, मेरे आंखों में दर्द है, तो उनने भी पंडित बुलाया, फिर एक वो पत्रा दिखवाया, वह आराम को नहीं हो रहा आँखों में, तो उसने बताया वह आपके जो सासू थी उचाना गई थी मंदिर में, अच्छा, और दोबारा आप नहीं गए, तो उसकी वजह से मतलब कि उनके कह रहे माता का बुलावा है, इसका मतलब है उनकी आँखें दुखनी आना, बल्कि माता जी ने बुलाया है, बोले आप माता रानी का नाम लेकर रख दो, बोले आराम हो जाएगा, तो उसने माता रानी का नाम लेकर ना जो 5-11 रुपये रख दिए जी, तो लड़की का फोन आया जी, बोले मम्मी मेरी आँख में आराम है जी, दर्द को नहीं रख दे आया जी, वो लेडी जो आज 1.5 घंटा बतला के गए जी, मर गए, मैंने सारी बताई जी उसने। हर गांव में देखते हैं जी, हम उच्चारण वाली माता का नाम था उच्चारण वाली माता, मतलब बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है भाई माता जी का नाम फुल्लन देवी है, खुद हमने पता लग गया, हम भी जुड़े हुए हैं शुरू से ही माता जी का नाम, हमें आज पता लग गया भाई माता का नाम फुल्लन देवी है, गाँव के हर स्थान में जी, इसका क्या कारण है कि जी गाँव के हर गाँव में माता जी के स्थान बने हुए हैं? बस माता रानी की मान्यता इतनी है जी, चमत्कार है जी। या फिर सोचा कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए भाई अपना गांव में दोक मार लो, मतलब खासकर शायद बादुआ में दोक ला गए इनकी माता जी की? ना जी, माता जी की चैत में, अच्छा, आषाढ़ में और आसुज में जी दोक लगती है। हाँ जो मेला लग गए जी, मेले लगे जी, जैसे जो गाँवों में नहीं है हरियाणा के अलग अलग गाँव में, पंजाब में राजस्थान में, उनमें भी जो छोटी छोटी माता बनाए रखी उन पर भीड़ रहो जी, एक महीना ऐसा होगा कि उन पर भीड़ रहे, इसके दरबार में तो ईंट लेकर जाते हैं जी, माता रानी की 2 ईंट लेकर, वो आप कहते हैं ना गांव गांव में मंदिर है, तो वहाँ रखते हैं जी वो माता रानी की, छोटे छोटे रूप में, हाँ जो साल 6 महीने में 1 बार आवे है, और बाकी दिन वो वहीं माता रानी की धोख मार के ना माथा टेक लें जी, उससे मनोकामना जी, चांदी की आँख भी चढ़ाते हैं जी, पूरे आराम होने के बाद जी ये आँखें चढ़ाई जाती हैं माता रानी के दरबार में आकर जी, इसमें जो खुदाई करें लोग मतलब आते हैं श्रद्धालु, उसमें से गारा निकालते हैं, उसका क्या महत्व है और क्या कारण है उसका जी? ये तो जी शुरुआत आने लग रही है जी, पहली बोर को नहीं होया करते, पानी की कमी होया करती, जो मुड़ा खोद दे देंगे वो पानी इकट्ठा रहेंगे धीरे, फिर ये बढ़ते गए जी, ये देख लो आपने कितना हो रहा है,
और इसमें जी पवित्रे मानो जी इसने घर भी ले कर जावे लोग इसने, इसके साथ जो फुंसी फांसी हो जाए वो लगा लें जी, उससे भी आराम हो जी इससे। अच्छा, हाँ जी, ये शुरू से ही है तो ये पक्का है। पिछली साइड में वो कच्चा है जी, वहाँ से भी निकाले तो ज़्यादातर यहीं से निकाले जी। ये शुरू है जब से मंदिर का निर्माण हुआ जी, तभी से ही ये काम है जी, मिट्टी निकालने। भाई हमने देखा कि मंदिर परिसर में बहुत सफाई है, बहुत ही सफाई की व्यवस्था कायम है, तो इसका जी श्रेय आप ही को जाता है, आपने सफाई करवा रखी है और मेले के दौरान भी इतने श्रद्धालु आते हैं और फिर भी सफाई व्यवस्था बहुत ही कायम है। हमें जी सफाई का विशेष ध्यान रखा जी, बस सफाई में कोई बाहर से आवे नहीं, पूजा करने वाला को ये नहीं कहे सफाई नहीं है। और मेले के टाइम में तो श्रद्धालुओं से यही विनती है हमारी जी, वो भी कम हमारा सहयोग कर सके जी। अच्छा, जो सामान है जो पोलोथीन है और वो दाएँ बाएँ नहीं डालना, जो कणक डालने के अलग हैं और गहना नारियल डालने का अलग स्थान है, वहीं उस पर डाल रहे हैं हमें, यही विनती है जी हमारी कि वो करें, वहाँ हमारा सहयोग करें। और भीड़ ज़्यादा होने के कारण एक आध बार हो जाए हमारी भी कमी हो सके है। प्रशासन का नहीं सहयोग रहता जी, जैसे उच्चारणा पुलिस प्रशासन वगैरह का, वो भी आवे जी, उनका भी सहयोग है जी, उनका भी सहयोग जी। इसके ग्रिलों पर से के ऊपर से भी जाते हैं श्रद्धालु, तो फिर भाई इतनी दूर से भी आए और फिर ग्रिलों पर आकर फिर कोई चोट खा लिया, कोई दिक्कत हो जाए, भाई इस माता पर गया था रोड़ा चोट खा के आ गया, फिर थोड़ा सा आस्था को ठेस ही पहुँचा है। बस वो धक्का मुक्की इतनी हो जी, वो भी परेशान हो जाए जी, मीडिया वो भी पुलिस वाले भी आवे जी, वो भी बस ये तो श्रद्धालुओं से निवेदन है जी, वो भी थोड़ा कंट्रोल रखें, संयम रखें। अगर इतनी दूर से आप पूजा करना हो तो 5-10 मिनट लगाओ मंदिर में, मंदिर में लगाओ, आराम से दर्शन करो माता रानी के, तभी मनोकामना पूर्ण होगी। और न्यू आए सामान बगैर बगलिए तो उससे बात नहीं बनेगी। जैसे जी जो से मंदिरों में देखा जी आप, हिंदू मंदिर है, बहुत जमीन है उनके पास, फिर भी उन मंदिरों में पानी की व्यवस्था नहीं है, रोटी चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, श्रद्धालु करलांदे हुए जावे मतलब की, तो उसके बारे में जी यहाँ कैसा सिस्टम है और कब क्या कहना चाह रही है उसके बारे में? पहले तो जी ऐसा था जी, जो रेडू गाड़ियाँ में आया करते वो रात ने रुकया करते, हाँ जी, अब ऐसा नहीं है, अब तो घर घर साधन हो रहे हैं, हाँ जी, अब तो वो रात ने रुकते नहीं। और श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है जी? पूरे पानी की और सारी व्यवस्था है जी, चाय चूहे का सब प्रोग्राम हो जी, धर्मशालाएं हैं जी, ऊपर हैं कमरे हैं, रात्रि को ठहरने का बारे में बताओ जी। कुआ जी वो मंदिर का टाइम का है कुआ भी, अच्छा जी, हाँ जी, पहले तो डोलनो ने जो होया करते उसके साथ सहरिया करते जी, वो पेड़ रहा जी उस साइड लग जा करता जी, उस अच्छा इतना जी लंबा जा करता जी, और दो दो ढाई ढाई घंटे में नंबर पड़िया करता जी पानी लेने का, इतनी भीड़ हो जा करती गांव से पानी लेके जा करते जी। अच्छा जी, तो ये धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपना इसमें मोटर गिरा दीजिए और ये टंकी बनवा दी ऊपर, इसका अच्छा पानी अब भी श्रद्धालु इसी का पानी पीते हैं। अच्छा, जो इसमें वाटर कूलर में पानी है वो इसी कुएँ का है? नहीं, कुएं का है जी इसका। अच्छा, हाँ जी, मोटर गड़िया, हाँ मोटर, हाँ कनेक्शन इसमें कर दिया जी, वो भर दिया टंकी जी। अच्छा, हाँ जी। हिंदुस्तान के कोने कोने से अगर किसी श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचना हो तो कैसे पहुँचे माता जी के दर्शन के लिए? वो जी अगर उस साइड दिल्ली साइड से आ रहे हैं जी, तो पहले जींद आओ, जींद से फिर ये बड़ा उचाणा है जी, उचाणा कला बोल रहे हैं जी, हाँ जी, हमारे देशी से हम बड़ा उचाणा कहते हैं, उचाणा कला है जी, उचाणा कला से साधन लेकर टम्पू वगैरह 24 घंटे तैयार रहें जी, कोई दिक्कत नहीं होती मड़ी है जी। बड़ा उचाणा से फिर अपना ये 4-5 किलोमीटर पड़ा जी उचाणा खुर्द, यहाँ से साधन मिल जाए जी, माता जी के दर्शन करके जाओ। और अगर पंजाब साइड से आवें तो फिर नरवाणा से होते हुए बड़ा उचाणा, वही फिर छोटा उचाणा जी, हाँ जी, इस साइड से आवें जी ज़्यादा। और अगर जिसको रेलवे ट्रेन में आवे तो जी वो बड़ा उचाणा स्टेशन पे उतरे हैं जी, वो बहुत नज़दीक है, हाँ जी घना नज़दीक है जी, तो फिर वो हाईवे वाला बच जाएगा, मेन रोड का वो कम समय लगे जी उसमें, वो बच जाए जी उसमें। अगर आपको श्रद्धालुओं से कोई विनती करनी हो, जैसे भाई ऐसा ना करो और ऐसा करो, इसे कुछ कहना चाहोगे जी आप? बस श्रद्धालुओं से यही विनती है जी, रख रखाव में हमारा सहयोग करें, सफाई में हमारा सहयोग करें जी, जो सामान जहाँ जहाँ डालना है वहीं वहीं डालें जी। और सच्चे लोगों से अपील है कि अपने बच्चों को अपने धार्मिक स्थानों के बारे में सनातन की जानकारी जरूर दें और उन्हें बताएं कि भाई किस तरह मान्यता प्राप्त स्थान है हमारे, कितनी दूर दूर से लोग हैं। हाँ, तो ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल वेदांत क्रांति के साथ, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें सुझाव दें कि हमारे में क्या कमी रही है और हमें क्या चीज़ और करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।